वी कैन फाइटिंग। मेरे फेस और मेरे हाथ में फ़र्क देख सकते हो, मैं आप देख सकते हो अगर आपको मेरे थोबड़े पे पसीना दिख रहा होगा तो। लेकिन हवा क्यों बंद हो गई, चालू करो। ऐसा लगता है यहाँ शाम से दिन स्टार्ट होता है। ये मैन मेड है। यस, सो इतने दो दिन हो गए मुझे ग्रीन प्लैनेट जाने का ट्राई करते करते। कल भी मैं लास्ट टाइम पे लेट हो गई थी और मैं नहीं जा पाई थी, तो आज मैं मॉर्निंग में निकल रही हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ना मैं लेट हूँ ना कुछ और होए। भले ही यहाँ पे बहुत गर्मी है, इस समय निकलता नहीं है यहाँ पे कोई भी इस मतलब इस वेदर में और इस वक्त हो रहे हैं अभी 12:30 बज रहे, तो कोई भी नहीं निकलता है। ऑलमोस्ट 12:15 बजने वाले, तो अभी मुझे जाते जाते यहाँ से पैदल जाना है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं जल्दी जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारी चीज़ दिखानी है आपको। अगर पिछली बार मुझे पता होता कि वो चीज़ यहाँ पर है तो मैं शायद पिछली बार ही एक्सप्लोर कर देती, लेकिन यू नो हम करते करते ही सीखते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगी मेट्रो स्टेशन और शराब डीजी, फिर वहाँ से जाऊँगी बुर्ज खलीफा से 20 मिनट की वॉक है, और यहाँ से भी होटल से पहले शराब डीजी की वॉक है। सो लेट्स गो। और गर्मी हो गई तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। देख रहे हो आप कितनी धूप है यहाँ पे, एक भी आपको इंसान ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा दिन के टाइम में। तो दिन में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी देखो भीड़ नहीं मिलेगी, वो भी अगर ये थोड़ी ठंड होती है, थोड़ा नॉर्मल मौसम होता ना तो आपको खाली देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अभी रोड देखो, आप देख रहे हो, देखो मेरे पीछे भी देखो, ज़्यादातर लोग निकलते ही नहीं है यहाँ। और अभी ऑफ सीज़न में तो यहाँ पे ना कोई दिन में तो कोई काम ही नहीं होता, सबकी मीटिंग शाम को होती है, सब घूमने शाम को निकलते हैं। ऐसा लगता है यहाँ शाम से दिन स्टार्ट होता है, स्पेशली इस वेदर में जब मैं आई हूँ। पूरे ऑफ सीज़न में गर्मी इतनी होती है, सहन करने लायक गर्मी नहीं है, है ना। लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, हल्के से हवा भी चले तो मेरे लिए काफ़ी है। तो अभी यहाँ पे हवा चल रही है, होपफुली चलती रहे अभी जब तक मैं पैदल सफ़र कर रही हूँ। तो अभी तो हवा चल रही है अच्छे से, तो मैं पहुँच जाऊँगी स्टेशन, और स्टेशन के बाद मैं मेट्रो के बाद भी कोशिश करूँगी कि 20 मिनट की जो वॉक है वो मैं पैदल कर लूँ। जैसे अपने कैब चलती है यहाँ पे, करीम चलती है, तो लेकिन उसकी कॉस्ट अभी बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं मेट्रो से जाऊँगी तो मैं बहुत कम में पहुँच जाऊँगी, थोड़ा सा वॉकिंग है तो मैं आराम से जाऊँगी और पैसे बचाऊँगी। और ऐसी धूप में आप देख सकते हो अगर आपको मेरे थोबड़े पे पसीना दिख रहा हो। लेकिन हवा क्यों बंद हो गई, चालू करो। सो चलते हैं हम आधा किलोमीटर और फटाफट। तो अभी मैं जाती हूँ और आपसे मैं डायरेक्ट वहीं पे मिलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। सो टाटा। यह आ गया हमारा शराब डीजी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और ये जो मेरा पसीना एक सेकेंड में सूख जाएगा अभी अंदर जाती, मेरे माथे से की गूंद गायब हो जाएगी। मैं पैसे डलवाने पड़ेंगे, जो मेट्रो कार्ड है मेरा उसमें पैसे खत्म हो गए। जाएंगे वहाँ उस काउंटर पे पैसे डलवाने, वो वहाँ पे। थैंक यू, मैंने डलवा ली, मशीन से ही डल गए, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे कार्ड में पैसे डल गए हैं, अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमें ट्रेन मिलेगी बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा जाके, मतलब बुर्ज खलीफा पे नहीं जाना है, वहाँ पे उतरना है बुर्ज खलीफा स्टेशन पे, और फिर वहाँ से 20 मिनट का वॉक करना है। इतना ईजिली मैप बना है, देखो बहुत ही ईजी है यहाँ पे सफ़र करना मेट्रो में, ईजी मतलब मुझे बहुत ईजी लगा यहाँ पे सफ़र करना मेट्रो में। फर्स्ट टाइम आई थी ना तभी से मैं यहाँ पे अकेले सफ़र कर रही हूँ मेट्रो में। सो अभी मेट्रो आने वाली है, हर एक मिनट में ट्रेन आती है, सो कोई दिक्कत नहीं है, हम लेट नहीं होंगे। Thank you.
खतरनाक गर्मी है ना यहाँ। ऊपर से बीच में मेरा मैप इधर उधर इधर दिखा रहा है, इतना गुस्सा आया मुझे, लेकिन अभी सीधे दिखा रहा है। और बहुत गर्मी यहाँ, देखो रोड पे एक परिंदा भी फर नहीं मार रहा है, फर 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 कुछ भी नहीं मार रहा है, सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ। अभी एक परिंदी थी पीछे, वो भी शायद काम से ही थी, वो निकल गई। सब देखो, आपको एक भी इंसान नहीं दिखेगा रोड पे। हाय, मेरी हालत ख़राब हो गई है थोड़ी सी, बस मैं अंदर पहुँच जाऊँ कैसे ना कैसे। ऑफ सीज़न में तो आना मत, और आओ ना तो दिन में मत निकलना, जिसे गर्मी से परेशानी है ना वो तो बिल्कुल ही मत निकलना, चक्कर वक्कर खा के गिर जाओगे वरना। गाइस फाइनली आ गया, देखो इतना चलने के बाद। एक्चुअली मैं कंटिन्यू आ रही थी तो मेरा फ़ोन ना आईफोन 2 मतलब बहुत ज़्यादा हीट पे चला गया। इवन उस पर मैंने सिग्नल भी पहली बार देखा है, कोई भी बटन क्लिक कर रही थी दबा रही थी, कुछ हो ही नहीं रहा था, वो ऐसे नोटिफिकेशन दे रहा था। और ना स्क्रीन पे लिखा आ रहा था, मतलब स्क्रीन ही बैक नहीं हो रही थी, स्क्रीन पे लिखा आ रहा था कि योर फ़ोन नीड्स टू कोल्ड प्लेस। तो मैं फटाफट, मैंने आसपास एक स्टोर देखा, स्टोर थे वहाँ पे, मैं एक एक्चुअली वो जिम थी, योगा क्लासेस थी वो गर्ल्स की, मैं उसके अंदर गई, उनसे पूछा कि मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ, माई फ़ोन नीड्स टू बी कोल्ड प्लेस। तो बहुत ज़्यादा हीट पे चला गया, तो उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया और मेरा फ़ोन ठंडा हुआ, उसके बाद मैं आई हूँ। और इसलिए फिर मैंने पूरे रास्ते भर उससे शूट नहीं किया, और फिर जब मैं यहाँ पे आ गई तब शूट करी हूँ, और ये बहुत अच्छा है। बाकी अंदर जाके पता लगेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे हाथ देख सकते हो आप, मेरे फेस और मेरे हाथ में फ़र्क देख सकते हो, मतलब इतनी सी देर, मतलब सिर्फ आज ही दिन में निकली हूँ मैं। वैसे ही कुछ खाने के लिए निकलती हूँ और फिर वापस होटल में चली जाती हूँ, फिर शाम को निकलती हूँ 5:30 बजे से। लेकिन आज मैं दिन में निकली तो एक ही दिन में आप देख सकते हो डिफरेंस, एक ही दिन में मुझे कितनी टैनिंग हो गई है। इतनी ज़्यादा टैनिंग तो मुझे कभी नहीं हुई। सो अभी हम जाते हैं, एक्चुअली मेरा फ़ोन में ही टिकट है तो मुझे टिकट शो करना पड़ेगा देन। और ये बहुत प्यारा है, देखो यार, यहाँ से जाना है हमें, पता नहीं है कुछ भी मुझे। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है नन्नू। बहुत प्यारा है ये, लेकिन ये मैंने अभी जैसा सोचा था अभी तक वैसा हुआ नहीं है। ये मिला है मुझे बाहर से, बाहर से ही लेना है, नाइट मोड ऑन करना चाहिए हमें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएचर ऑफ द नाइट, ही नाइट के क्रिएचर है, मतलब ग्रीन प्लैनेट आई थिंक यहाँ से एंट्री है। बेटा बेटा बेटा, तीन हज़ार से ज़्यादा स्पीशीज मिलते हैं आप यहाँ पे आपको देखने के लिए, 3,000 से ज़्यादा, जिसमें रेप्टाइल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। सो क्यूट, देखो कैसे चल रहा है, ये उल्टा भी चल सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखे ये, हाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखे। अच्छा वो नाइट क्रिएचर है इसलिए शायद इनका ना ऐसे बना रखा है, हाँ वो नाइट क्रिएचर है इसलिए यहाँ पे। आई थिंक ये जो भी नाइट क्रिएचर्स होते हैं ना, जो भी जितने भी जानवर होते हैं नाइट क्रिएचर, उनके लिए है ये, क्योंकि बाहर लिखा था ना द नाइट क्रिएचर, तो ये उन्हीं का सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे लाइटिंग ऐसे लगा रखी है। लुक एट दैट, लुक एट दैट, ये हैश डॉग है, इसकी पता है 17 स्पीशीज होती हैं, ज्यादातर ब्राउन ब्लैक में मिलता है, ये बहुत क्यूट होता है। और देखो कैसे चल रहा है, ये छोटे साइज का जो होता है ना, मतलब बेबी हैश डॉग को हॉगलेट कहते हैं, बहुत प्यारा होता है ये, बहुत सारी स्पेशलिटीज होती हैं इसकी। डिड यू नो गाइज, वेरी लॉन्ग टाइम अगो हैश डॉग वर कॉल्ड अर्चिन्स। अर्चिन से एक बच्चे के लिए बोल सकते हैं, चाइल्ड के लिए, हु इज डर्टी एंड पुअरली ड्रेस्ड काइंड ऑफ। पहले इन्हें बहुत पहले अर्चिन्स कहा जाता था ऐसा, और इनके ऊपर ये स्पाइंस दिख रहे हैं आपको, 5,000 से 7,000 तक हो सकती हैं, मतलब 5,000 से 7,000 तक होती हैं। इसकी वजह से ये खुद को सेव कर पाते हैं बाकी जानवरों से, बाकी प्रेडेटर्स से। बहुत छोटे होते हैं ये, इसलिए इनके पैर देखोगे आप कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन वो पावरफुल बहुत होते हैं।
यहाँ से स्टोर है इनका, सारे एनिमल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे। आवाज़ भी आ रही है, हर चीज एनिमल बर्ड इससे रिलेटेड है। इट्स सो क्यूट, लुक एट दैट वाइट कलर का पैरेट। शी इज सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है वो उन्हें देखकर छुटकी सी। तो ये है ग्रीन प्लैनेट एक्सपीरियंस एंड एग्जॉटिक कैंपिंग इन द रेन फॉरेस्ट। आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम शॉर्ट में कहें तो द ग्रीन प्लैनेट रिक्रिएट्स एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विद ओवर 3,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनडोर मैन मेड एंड लाइफ सस्टेनिंग ट्री। ये जो दिख रहा है ना आपको, देख रहे हो, ये मैन मेड है। यस, सितंबर 2016 में ओपन हुआ था ग्रीन प्लैनेट। सिर्फ दुबई ही ऐसी जगह है जो कि आपको इंडोर रेन फॉरेस्ट ऑफर करता है। हाँ, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। Look at that. ये कितना देखो, मतलब कितना रियलिस्टिक है। यहाँ पे एक एक चीज़ आप देखो, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा होगा। ये आर्टिफिशियल ट्री है, देखा कितना रियलिस्टिक बनाया है यार ये। एंड अगर हम पूछें कि इसे ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं, ज़्यादातर लोग कहें कि ऑब्वियसली कि ग्रीन ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ऑफकोर्स इट इज़ द रीज़न, बट देयर इज़ अनदर रीज़न ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इट अपेयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, कैसे उतर रहा है। एक और चीज़ देखिए, देखो ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, और आपने टीवी में देखा होगा आज तक, मैंने भी आज तक टीवी में ही देखा था। ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे गाइस दिखाने के लिए, जो मैं आपको एक दिन में ना तो दिखा सकती हूँ ना उनके बारे में बता सकती हूँ। और जैसे कि एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपने पेड़ देखा सबसे शुरू में और ये जो आप देख रहे हैं, ये 82 फुट का पेड़, ये आर्टिफिशियल है। और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है। ये पेड़, ये ब्रिज, यहाँ तक कि परिंदा जिस डाल पे बैठा है, ये भी आर्टिफिशियल है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ है एक्चुअली। वो सब कैसे, ये और इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए हमें नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे विजिट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें एक ही ब्लॉग में डालूँगी तो। इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस ब्लॉग को दो पार्ट में क्रिएट करूँगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप सो कि आप वो ब्लॉग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाली है बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने तो सच में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और इट वाज सच ए ग्रेट एक्सपीरियंस। होप कि आपको अच्छा लगे। और हाँ, तब तक के लिए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए टाटा। यार ये बहुत ही, सच में नहीं तो बहुत ही गंवार लोग हैं, मतलब यहाँ पे पता है चीखना चिल्लाना उन्हें टच करना बिल्कुल मना है, लेकिन यहाँ पे बड़े भी चीख रहे हैं। काफ़ी लोगों की हरकतें इतना परेशान करती हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं वो लोग।